शनिवार को सदन में हुए विधायकों के साथ हुई अभद्रता को लेकर सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों से हमारे संवाददाता राजीव कमल ने बातचीत की। विधायकों के साथ मारपीट, उनका कहना है कि मारपीट की गई, उसको लेकर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के हमारे साथ विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका? जिस प्रकार से कल लोकतंत्र के इस मंदिर में घुसकर पुलिस के द्वारा विधायकों की बर्बर पिटाई की गई है, इस बिल का अगर विरोध हो रहा था तो सरकार को यह चाहिए था कि विपक्ष को बुलाकर उनसे मंत्रणा करना चाहिए था, तो पुलिसिया दमन करके विपक्ष के विधायकों को बाहर निकाल के और इस बिल को पास कराया गया। अगर बिल में सब कुछ अच्छा था तो आपने कार्य मंत्रणा क्यों नहीं किया? करना चाहिए था आपको। आप पुलिस के बल पर आप प्रशासन चलाना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं, हम विपक्ष के लोग ये नहीं होने देंगे। ये आंख पे पट्टी बांधी है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने, नीतीश सरकार ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है कि जनता के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये काली पट्टी बांधी है कि उनको कुछ नजर नहीं आता आ रहा है। सत्ता के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि उनके आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको। पहले चर्चा करनी चाहिए थी बिल्कुल, एकदम चर्चा करनी चाहिए थी। आपने पहले मामला गड़बड़ाने दिया, उसके बाद फिर आप पुलिस के बल पर आपने सब लोगों को बाहर किया, कितने विधायकों को पीटा, कितनों को चोट लगी, कितने आज बेड पर है, जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी से, और तब आपने ये पास कराया। आज लास्ट दिन है, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने अपना विरोध जारी रखा है और विरोध जारी रखेगी। आगे क्या करेंगे? आगे अभी हम विरोध कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं हम लोग, और आगे इसको सड़क से लेकर सदन से लेकर सड़क तक ले जाने का कार्य करेंगे। कल हमारा धरना है पूरे प्रदेश में कांग्रेस का। तो आपने सुना कि कांग्रेस विधायक का कहना है कि सड़क से लेकर संसद तक हम इसका विरोध करेंगे और इसके जितने भी हम घोर निंदा करेंगे। जिस तरीके से कल विधायकों को मारा गया, पिटा गया और उनको बाहर फेंका गया, उसको लेकर काफ़ी रोष है कांग्रेस विधायकों में। आप मदन मोहन झा भी देख सकते हैं कि काली पट्टी बने हुए हैं, और आपको अजीत शर्मा भी आप देख सकते हैं कि, और जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनमें यहाँ वो काली पट्टी बांध के वहाँ हैं, और पुलिस के अत्याचार को लेकर वो बार बार नारे लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस का जिस तरीके से कल उपयोग किया गया और जिस तरीके से बिल विधानसभा में पास कराया बलपूर्वक, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। पटना से अमित के साथ मैं राजीव कमल।